हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम फिर से बनाने वाले हैं एक और सुंदर सा डोर मैट तो देखिए जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं यहाँ पे ब्लू और ये देखिए ऑरेंज और ये मैंने नौ नंबर सिलाई ली है जिसमें मैंने डोर डोरमेट बनाने के लिए यहाँ पे बत्तीस फंदे डाले हुए हैं तो ये मैं आपको बहुत ही आसान सा बहुत ही सिंपल सा डोरमेट बना कर बताऊँगी तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कलरों से यहाँ पे सोलह सोलह फंदे डाले हुए हैं तो सोलह फंदे औरेंज कलर से सोलह फंदे ब्लू कलर से ये देखिए अलग अलग धागों से ही डाले हैं मैंने ये अब देखिए यहाँ पर हम बनाना शुरू करेंगे बनाने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा तो यहाँ पे देखिए दोनों कलरों से फंदे डाले हैं मैंने सौ सो, सौ सो, सोलह सोलह अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसी तरह से यहाँ पर बराबर बराबर फंदे दोनों कलरों से डाल दें तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं तो पहला फंदा उतारेंगे और देखिए इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे तो उल्टी सिलाइयों से ही हम इस डोरमेट को बनाएंगे बहुत ही आसान है बनाने में ये देखिए ये हमने ब्लू कलर के फंदे बना लिए अब देखिए ऑरेंज कलर के फंदों को बनाएंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से इन्हें जॉइंट करेंगे तो इस धागे को आगे करेंगे अब ऑरेंज कलर से हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पे एक दो सिलाई में थोड़ी ढीले से आते हैं फिर फंदे जॉइंट हो जाते हैं अच्छे से ये देखिए तो ये हमने ऑरेंज कलर के भी फंदे बना लिए ये देखिए तो एक सिलाई हम यहाँ पे बना चुके हैं अब इधर से बनाएंगे तो यहाँ पे मैं सिंगल ऊन से बना रही हूँ अगर आपको डबल ऊन से बनाना है तो आप डबल कर सकते हैं तो देखिए इधर से भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे ये देखिए अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर को पीछे करेंगे और ब्लू कलर को यहाँ पे खींचते हुए आगे लेंगे यहाँ पे थोड़ा हमें खींच कर ही लेने लेना है धागा जिससे ये हमारे फंदे यहाँ पे अच्छे से जॉइंट हो जाए आप इसमें ये देखिए तो ये देखिए हमने दोनों तरफ की दो सिलाइया बना ली अब देखिए हम फिर से इधर तीसरी सिलाई बना रहे हैं फूल को अपनी तरफ करेंगे पहला धंदा उतार के इसी तरह से हम बना लेंगे उल्टी उल्टी सिलाई ये बहुत ही आसान है बनाने में और देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और सिम सिंप, बहुत ही सिंपल सा जिनको नहीं आता है वो भी इसे आराम से बना सकती हैं ये देखिए यहाँ पे फिर से हम ब्लू कलर को आगे करेंगे और ऑरेंज कलर से पीछे से बनाएंगे देखिए इधर की साइड ये हमारी उल्टी रहेगी और इधर की साइड ये हमारी सीधी रहेगी ये देखिए ये हम फिर से बना चुके हैं यहाँ पे तीसरी सिलाई यानी कि दोनों तरफ की तीसरी सिलाई तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए ये हमारी यहाँ पे दो लाइन बन गई हैं ये देखिए इस तरह से तो यहाँ पे ये हमारी दो लाइन और बनाएंगे यानी कि चार सिलाइयाँ ये हमारी यहाँ पे हो जाएंगी और इधर से भी इसी तरह से हमारी चार सिलाइयाँ हो जाएंगी तो इधर हमारी एक ही लाइन बनी है तो यहाँ पर इसी तरह की हम चार चार सिलाइयाँ दोनों तरफ बनाएंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरह से चार तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे चार चार सिलाइयाँ दोनों तरफ की बना ली है ये देखिए तो यहाँ पे इस तरह की हमारी चाय लाइन बनी है एक दो तीन चार अब देखिए यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे अगर आपको इससे चौड़ी ये यहाँ पर पट्टी चाहिए तो आप यहाँ पर दो सिलाइयाँ और बना सकती हैं तो देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे ब्लू कलर की जगह हम यहाँ पे ऑरेंज कलर को लाएंगे तो ये देखिए ये हमने ऑरेंज कलर यहाँ पे लगा दिया है और तो देखिए यहाँ पे हम साथ में ही ये ऑरेंज कलर को बनाते हुए जाएंगे जिससे ये हमारा धागा यहाँ पे लंबा ना लगे बीच बीच में हम इसे इस तरह से बना लेंगे देखिए इस तरह से हम इसे बना लेंगे यहाँ पे थोड़ा मैंने अब की बार टाइट सा ही ले लिया धागा हमें ये थोड़ा ढीला लेना है थोड़ा सा और ढीला देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे हम बनाते हुए लाए हैं ये देखिए तो ये हमारा धागा भी देखिए यहाँ पे छुप गया है अब देखिए यहाँ पे हम इधर ब्लू कलर को लगाएंगे ब्लू ऑरेंज कलर के फंदों में तो अब की सिलाई बनाएंगे तो इस वाले धागे को हम अब की सिलाई पे छुपा देंगे तो देखिए ये ऑरेंज कलर के फंदे हमने सारे ब्लू कलर से बना लिए हैं ये देखिए अब देखिए इधर से भी हम इस सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे जो फंदा जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे ये लास्ट वाल लास्ट में और शुरू में जो हमारा पहला फंदा है इसे हम उतार के बुल को अपनी तरफ करते हैं तो इससे हमारी किनारी अच्छे से बन के आती है कोई सा भी डोरमेट बनाए अगर हम शुरू में लास्ट वाले फंदे को जो हमारा बाहर के साइड आते हैं उन्हें हम उतार के अपनी तरफ करते हैं या सीधा बनाते हैं तो हमारी किनारी अच्छी आती है डोरमेट की तो देखिए यहाँ पे हम ऑरेंज कलर को आगे लेंगे ब्लू कलर को पीछे किया है अब ब्लू कलर के फंदों को यहाँ पे ब्लू कलर से बनाएंगे सॉरी ऑरेंज कलर से बनाएंगे ये देखिए तो हम ए वाली सिलाई बना चुके हैं अब इसके बाद हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, तो पहला फंदा उतारेंगे ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अपनी तरफ कर लेंगे तो ऐसा करने से ये हमारी किनारी यहाँ पे अच्छी आती है बनके, अब आगे के फंदों को बना लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा धागा यहाँ पे लंबा है तो इसे हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे जिस तरीके से हमने पहले बनाया था ऐसे बनाने से ये धागा हमारा लंबा लंबा सा नहीं रहेगा पीछे देखिए इस तरह से हम बना लेंगे तब भी हम धागा चेंज करेंगे तो इसी तरह से हम इस वाले धागे को छुपाएंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये वाला धागा भी छुपा दिया है अब ऑरेंज कलर के फंदे भी बन गए हमारे अब हम फिर से ब्लू कलर के बनाएंगे ये देखिए अब देखिए इधर अब हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिए तो इसकी भी हमें इसी तरह से चार सिलाइयाँ बनानी है तो एक एक सिलाई हमारी यहाँ पे बन चुकी है दोनों तरफ की अब यहाँ पे हम छह सिलाइयाँ और इसी तरह से दोनों तरफ की बना लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फिर से हमने ये चार चार सिलाइयाँ बना ली हैं देखिए एक दो तीन चार तो जिस तरीके से यहाँ पे बनाई है हमने चार सिलाइयाँ अब यहाँ पे भी हमने ये चार सिलाइयाँ बना ली है अब देखिए यहाँ पे फिर से हम कलर चेंज कर देंगे तो ऑरेंज कलर की जगह हम यहाँ पे फिर से ब्लू कलर को लगाएंगे अब के धागा हम थोड़ा ढीला सा लेंगे क्योंकि जब हम इसे छुपाते हैं तो ये हमारा थोड़ा टाइट सा हो जाता है ये देखिए तो यहाँ पे हम फिर से इसी तरह से धागे को बना बनाते हुए साथ में ले जाएंगे इस वाले को ये देखिए ऑरेंज कलर के फंदे को ये हम ब्लू कलर से बना रहे हैं ये देखिए इस तरह से हम धागों को छुपाते हुए साथ में ही ले जाएंगे तब भी हम कलर चेंज करेंगे तो इसी तरह से हम धागों को छुपा देंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर के फंदों को बनाएंगे तो ये वाला धागा हमारा जब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे तब छुपाएंगे तो देखिए ये हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है ये देखिए तो इस यहाँ पे हम इसी तरह से चार सलाइयाँ बनाएंगे उसके बाद फिर से कलर चेंज करेंगे तो इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा तो जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा हम इसे बना सकते हैं ऐसे ही डिज़ाइन चेंज करते हुए आगे को इस तरह से ये पट्टियाँ हमारी बनती हुई जाएंगी तो जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा हम इसे बना सकते हैं तो चलिए मैं इसी तरह से इसे बना लेती हूँ फिर इसे आपको दिखाऊँगी बनने के बाद कि कितना सुंदर लगेगा ये तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे डोरमेट बना लिया है ये देखिए मैंने इतना ही बनाया है यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये एक दो तीन तीन पट्टियाँ ये ब्लू की बनाई हैं और तीन, हम, तीन ये हमारी यहाँ पे ऑरेंज कलर की है और इधर देखिए तीन हम तीन हमारी ये यहाँ पे ब्लू कलर की हैं और तीन ही ऑरेंज कलर की इसी तरह से मैंने ये तीन तीन पट्टियाँ बना ली हैं अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये हमारा इसी तरह से बनेगा ये देखिए इधर को हमें और लंबा करना है जितना भी आपको लंबा करना है इधर को आप और लंबा इसी तरह से पट्टियाँ बनाते हुए लंबा कर लेंगे तो ये इसी तरह से हमारा रहेगा अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी रख सकते हैं ये देखिए तो इस तरह से थोड़ा कम अच्छा लगेगा और इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैंने इतना ही बनाया है अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसी तरह से बना लीजिए यहाँ पे चार चार सलाइयों की पट्टियाँ ये मैंने बनाई हैं इसी तरह से हम इसे कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल आसानी है तो देखिए हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं रख सकते हैं अब देखिए इसी में मैं आपको एक और अलग डिजाइन बताऊंगी तो इसे इसी में हम या से ये डिज़ाइन बनाएंगे तो देखिए जितना भी बड़ा हमें चाहिए उतना हम बड़ा सलाइयों से बना लेंगे उसके बाद हम क्रोशिया से इसमें इसके चारों तरफ की अंडरलाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आप करके बताती हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों में से एक कलर ले लेंगे जो भी आपको जिससे भी आपको इसकी अंडरलाइन करनी है उससे आप इसकी अंडरलाइन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइड हम इधर इसमें धागा बांधेंगे देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे एक कॉर्नर पे ब्लू कलर का धागा बांध लिया है अब देखिए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखिए हमने ये क्रोशिया लिया है ये देखिए इस पर इस तरह से लिपेटेंगे और यहाँ से चेन में से निकालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए यहाँ पे एक बार निकाला तो देखिए दो बार हमने यहाँ पे दो बार निकाला है अब देखिए फिर से हम क्रोशिया पे लिपेटेंगे और फिर से इसी में हम एक बार ये दो बार फिर से इसी तरह से निकालेंगे एक ही चैन में से हमें यहाँ पे सात बार निकालना है ये देखिए एक बार निकाला ये देखिए एक बार ये दो बार तो एक ही चेन में से हम इस तरह से सात बार करेंगे ये देखिए हम गिन लेते हैं कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच पाँच बार निकाला है अभी हमें यहाँ पे दो बार और निकालना है एक ही चैन में से ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक ही चैन में से सात बार निकाल लिया है अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे तो यहाँ पे एक और दो दो चैन छोड़ेंगे देखिए एक दो और तीसरी चैन में हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे ये देखिए इस तरह से तो दो चैन छोड़ी है तीसरी चैन में हमने इसे जॉइंड करा है अब देखिए यहाँ पे फिर से इसी तरह से क्रोशिया पे लपेटेंगे और चैन में से निकालेंगे और एक बार बनाएंगे ये देखिए दो बार तो इसी में से फिर से हम सात बार बना लेंगे ये देखिए तो एक ही चैन में से हम सात बार बनाते हैं इस तरह से जैसे कि आपने बड़ा डोरमेट बनाया है ये मैंने छोटा ही बनाकर आपको बताया तो इसमें से इसलिए मैं साथ साथ बार निकाल रही हूँ अगर आपने बड़ा बनाया है तो हाँ आप आपे आप चैन बढ़ा लेंगे जैसे कि ये सात हैं तो आप नौ चैन बना लेंगे इस तरह से बढ़ा लेंगे चैन तो देखिए यहाँ पे मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बार फिर से बना चुकी हूँ और यहाँ पे मैं एक चैन बनाऊँगी और यहाँ पे एक और दो चैन छोड़ूँगी तीसरी चैन में फिर से जॉइंट कर दूँगी ये देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी अंडरलाइन करेंगे चारों तरफ तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरह से तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे क्रोशिया से इसकी अंडरलाइन कर दी है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में तो ये देखिए अगर आपको ये वाला डिजाइन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको सिंपल वाला पसंद आया तो तब भी आप कमेंट कीजिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय